गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप गाइज आप सब लोग ठीक होंगे और सबको मेरी सबसे पहला को नमस्कार। उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों में आपका स्वागत है। फिलहाल खूबसूरत वादियाँ, आज खूबसूरत वादियों में आखिरी ब्लॉग होगा शायद, आप कहीं और से ब्लॉग स्टार्ट होंगे और आप इन्जॉय करें इन खूबसूरत वादियों को। फिर आपको जो ब्लॉग दिखेंगे वो कहीं और से दिखेंगे। ये खूबसूरत वादियाँ छोड़ के मैं भी बड़ी दूर चले जा रहा हूँ, तो मिस करूँगा इन जगहों को और ये सारे ब्लॉग्स को मैं दोबारा से देखूँगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत की है और मौसम को काफ़ी इन्जॉय किया और लॉकडाउन में जो कार्य किए हैं वो आपको देखे होंगे आपने ब्लॉग में। फिलहाल ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और मैं आपको एक अंदाज सब भी दिखाता हूँ। सो गाइज़ काफ़ी मिस करूँगा इस खेत को, बनाया था यहीं से अपने ब्लॉग की शुरुआत की थी और आज जाके इतने सारे ब्लॉग्स बना लिए, मतलब 50-60 ब्लॉग होने वाले हैं और इतनी मेहनत की, यहाँ से बहुत सब्जियाँ खाई हमने और फ्यूचर में अब जब भी मौका मिलेगा फिर से बनाऊँगा। तो काफ़ी अच्छा काम हुआ था इस बार लॉकडाउन में और हमारी गाय मस्त खा रही है। सबसे ज़्यादा तो मैं इस शानदार मौसम को मिस करूँगा और जो ये गाँव की लाइफ स्टाइल थी वो काफ़ी ज़्यादा मिस करूँगा। पता नहीं दोबारा अब मौका मिलेगा 1-1.5 साल बाद आराम से। चलो गाइज अब बचा है आखिरी समय, अब जाना है घर को छोड़ के। बहुत दिनों बाद पूरा लॉकडाउन यहीं काट लिया है, 1 साल पूरा निपटा, 2 साल निपटा दिए। तो गाइज फाइनली आज जाने का टाइम आ गया है और चल रहे हैं, देखते हैं। मिस करूँगा काफ़ी अच्छे यहाँ का वेदर, विराट को भी मिस करूँगा। क्यों? और पीछे चचा है, बहनी आई है छोड़ने, तो अब देखते हैं चलते हैं, जैसा भी होगा लाइफ तो चलानी पड़ेगी आगे। यहाँ रुके गाँव में रुके होगा नहीं कुछ ना कुछ। ये अपनी बस, इसमें निकलना है देहरादून, फिर निकलना है वहाँ से बेंगलोर और काफ़ी अच्छी एक तो नहीं बोलता है इसमें लाइफ के लिए कुछ स्टूडेंट जो मतलब डिसीजन लेने पड़ते हैं वो मैंने लिए हैं, अच्छा जा रहा है जो भी है, थोड़ा इमोशनल मोमेंट था बट ढाबा 100% वेज है और काफ़ी अच्छा था, मतलब चाय तो स्पेशल थी यहाँ की और मज़ा आ गया एक चाय पी के। और घर से मेरे लिए पराठे बनाए हुए थे वही खाए, तो काफ़ी अच्छा रहा डिनर। अब सुबह ही नींद खुलेगी, अब सोने का मन कर रहा है, नींद भी आ नहीं रही है पर सोना पड़ेगा, सुबह उठना है, बहुत सारे काम है। बट काफ़ी अच्छा एरिया तो क्या बोलूँ, मतलब काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, बढ़ती काम जिंदगी बढ़ती रहेगी।
गाइस हालत ख़राब हो चुकी है, इधर से उधर जाने में थक गए हैं पूरी तरीके से। अभी ये काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर निकलेंगे रूम की ओर। धूप भी काफ़ी लगी हुई है और गर्मी की वजह से पूरी हालत ख़राब है। चल चलते हैं, न्यू डोज कम्प्लीट करते हैं। सो गाइस आज फाइनली मेरा सब कुछ मिल गया। अब डिग्री थोड़ा लेट आएगी बट काफ़ी अच्छा दिन रहा और काफ़ी काम था आज कॉलेज में। अब इस कॉलेज को तो काफ़ी मिस करूँगा। तो गाइस ये पीछे आप देख रहे हैं, ये हमारी बिल्डिंग होती है सीएसआईटी की और यही हमारी पढ़ाई चली है। पढ़ाई तो हमने 6 महीने की और सब ऑनलाइन लॉकडाउन की वजह से।